नमस्कार। आज की जो परिस्थितियां हैं वो सच में बहुत ही विषम है। हर व्यक्ति, मुझे लगता है शायद हर व्यक्ति ने अपने किसी करीबी को, मित्र को, परिवार के सदस्य को, जानकार को खोया है इस आपदा के समय में। और हम सभी अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। और जब कभी भी हमारा कोई करीबी हमको छोड़कर जाता है तो हमारे अंदर एक बहुत ही द्वंद्व चलता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये अन्याय प्रकृति ने मेरे साथ क्यों किया। आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगी, जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु की एक पूरी का एक पूरा चक्र है। ना तो आपका ये जीवन पहला है और ना ही आखिरी होगा, और ना ही आपकी जान जो आपसे बिछड़ गया है उसका ये अंतिम जन्म होगा, ऐसा हम नहीं मान सकते। उसको भी दोबारा या पुनः जीवन मिलेगा। जीवन कभी नहीं रुकता, मृत्यु एक पड़ाव है जो आना ही है और हमको अपना ये शरीर छोड़ना ही होगा, लेकिन हमारी आत्मा सदैव जीवित रहती है। ये आप सब जानते हैं, मैं आपको आज नहीं बता रही हूं, सदियों से आपको पता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को हजारों साल पहले ये उपदेश दिया था, तो मैं कौन हूं। लेकिन कुछ समय होते हैं कि जब इन चीजों के रिमाइंडर्स हमको थोड़ी सी ताकत देते हैं, और वही प्रयास मैं कर सकती हूं अपने इस YouTube के परिवार के लिए। जीवन निर्बाध गति से चलता है। ये जो आज के समय में एक थ्योरी चल गई है कि वी लिव ओनली वंस, इसके चलते ही हम काफी स्वार्थी हो गए हैं और हमने सोच लिया कि बस आज जो है, यानी जो ये जन्म है वही सब कुछ है। इसीलिए हम किसी के साथ बुरा करने से, भला करने से, मतलब डरते नहीं हैं, कोई सोच विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न थियोरी ने जन्म लिया है कि वी लिव ओनली वंस। जबकि मेरा विश्वास इससे उलट है। मैं ज्योतिष में विश्वास रखती हूं और ज्योतिष हमारे कर्म के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है। जिस प्लेटफॉर्म से पर हमारा जन्म होता है वो हमारे पूर्व जन्मों से निर्धारित होता है। नहीं तो कोई अमीर घर में और कोई गरीब घर में जन्म कैसे ले लेता। उस बच्चे की क्या गलती जो एक गरीब घर में जन्म लेता है, और उस बच्चे के क्या अच्छे कर्म है जो एक सर्व संपन्न घर में जन्म लेता है। कहीं ना कहीं ये जो एक थियोरी है ये मेरे विश्वास को बल देती है कि ये जीवन एक अकेला जीवन नहीं है। और जिन लोगों से भी हमारी आत्मा संबंध स्थापित करती है किसी भी जीवन में, और अगर वो गहरा संबंध होता है तो वो व्यक्ति हर जीवन में हमारे साथ किसी ना किसी रूप में होता है। हमारे माँ बाप हों, हमारे प्रेमी लोग हों, हमारे आत्मिक जिनसे जुड़ाव है वो व्यक्ति हों, वो कहीं नहीं जाते, कभी नहीं जाते। किसी ना किसी रूप में इस जीवन में, दूसरे जीवन में हमारे पास आते रहते हैं, हमसे मिलते रहते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि उनका स्वरूप बदला होता है और हम उनको पहचानते नहीं। प्रेम कभी नहीं मरता। आत्मा कितना भी शरीर बदल ले, चोला बदल ले, लेकिन प्रेम कभी नहीं मरता। आपके आत्मिक
स्वजन आपके अपने जो लोग होते हैं वो कहीं नहीं जाते। आज जिसको हमने खोया है उसको हम दोबारा जरूर पाएंगे, लेकिन इस जीवन में उसका रोल बस इतना ही था। ये सत्य, कटु सत्य हमको स्वीकारना ही होगा। गीता कहती है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर और अमर होती है, सिर्फ वो अपने शरीर बदलती है। मुझे पता है कि जब हम कोई अपना करीबी व्यक्ति खोते हैं तो ये सारी बातें बेमानी लगती हैं, मुझे पता है, लेकिन ये भी सच है कि कभी आपने भी महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कई लोग आते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका आपको एक सडन, एक अचानक एक लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। वो आपके खून के संबंधी नहीं होते, फिर भी कई बार आपकी लेन में, आपकी गली में कई कुत्ते होते हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपका एक कुत्ते से विशेष लगाव हो जाता है। तो व्यक्ति ही नहीं, इवन पशु पक्षी भी आपके किसी न किसी जन्म के जानकार हो सकते हैं। उस आत्मा का आपसे कुछ जुड़ाव हो सकता है, इसीलिए वो किसी और रूप में आज आपके सामने आई है। हम क्यों कहते हैं कि हर घर पर आए व्यक्ति का सम्मान कीजिए। यू नेवर नो कि कौन आपका अपना किस रूप में आपसे मिलने आया हो। और आप उसको पहचान ना पाए हो जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, हो सकता है आज आपने उसको झिड़क दिया। सोचिए आत्मा को कितना कष्ट होता है कि मेरा शरीर क्या बदला, इस व्यक्ति ने तो मुझे ही ठुकरा दिया। शरीर बदलना प्रेम का अंत नहीं होता। हमारे सभी स्वजन हमारे जीवन में बार बार लौट कर आते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए। अगर आपने अपने पिता को खोया है तो वो आपके पौत्र के रूप में आ सकते हैं और आप फिर उससे प्रेम करेंगे। प्रेम का कोई रूप नहीं होता, बस प्रेम होता। और अगर आपने अपने किसी संगी साथी को खोया है, किसी मित्र को खोया है, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई नया मित्र, कोई नया व्यक्ति प्रवेश करे और उसकी कमी को पूरा कर दे। इसलिए इस विश्वास के साथ अपने दुख को सहन करें और प्रभु आप सभी को आपके दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी श्री प्रभु से कामना है। और आप लोग जीवन मृत्यु के इस चक्र को पहचानें और अपने दुख को समभाव से ग्रहण करें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आ सकता। किस तरह आएगा, कैसे आएगा, ये हम जानते नहीं। तो बस अपने जीवन में
जो भी लोग आते हैं, जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, खून के रिश्ते हैं, चाहे वो पशु पक्षियों से प्रेम है, केवल और केवल आपको प्रेम करना है, तभी आप इस जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ पाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही। जिस तरह हम अपने पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं, उसी तरह से आत्मा भी नया शरीर धारण कर प्रसन्न होती है और दूसरी देह धारण करती है। जाने वाले का शोक करें, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, लेकिन बहुत अधिक शोक करके उसकी आत्मा को कष्ट ना पहुंचाएं। शांत रखें, धैर्य रखें स्वयं को। शांत रखना बहुत आवश्यक है आज के समय में। धन्यवाद। ओम शांति।